फ्रेंड्स, मैं हूं महेश पुरोहित। आज आपके बीच में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आप सभी को मेरा निवेदन है, मेरी इस लो अवेयरनेस इंडिया चैनल को अपने दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा जीरो FIR के बारे में। जीरो FIR क्या है, जीरो FIR का उद्देश्य क्या है, जीरो FIR कौन लिखवा सकता है और क्या जीरो FIR पुलिस द्वारा दर्ज करना अनिवार्य है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अपराध के बारे में। अपराध दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध और दो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध वे है जो गंभीर किस्म के अपराध है, जैसे कि बलात्कार, डकैती, हत्या, चोरी जैसे अपराध। ऐसे अपराधों में पुलिस अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है और ये गैर जमानती अपराध है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध वे अपराध है जिनमें फॉर्जरी यानी कि जालसाजी, मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव जैसे मामले शामिल है। ऐसे अपराध में पुलिस अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करती और ये जमानती अपराध है। आइए अब हम जानते FIR और जीरो FIR में अंतर क्या है। FIR CRPC की धारा 154 के तहत लिखी जाती है। जहां पर अपराध हुआ है वो जगह जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आती है वहीं पर FIR दर्ज की जाती है। जबकि जीरो FIR अपराध कहीं पर भी हुआ हो हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज करवा सकते हैं। आइए अब हम डिटेल में जानते हैं व्हाट इज जीरो FIR और व्हाट इज पर्पस ऑफ जीरो FIR। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट नया है। ये उस FIR को संदर्भित करता है जहां पर अपराध हुआ है उस क्षेत्र के बावजूद दर्ज की जाती है। ऐसे मामलों में पुलिस यह कहकर मना नहीं कर सकती कि यह अपराध हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है। इसी तरह की FIR को बाद में उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है जिसके पास वास्तविक अधिकार क्षेत्र है ताकि जांच ठीक से हो सके। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट 2012 में दिल्ली में हुए कथित निर्भया सामूहिक बलात्कार की पृष्ठभूमि में गठित जस्टिस वर्मा कमिटी की सिफारिश पर इसे पेश किया गया था। यह पुलिस पर कानूनी दायित्व डालता है कि वह अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति के बहाने न बनाए और जांच शुरू करे और त्वरित कार्यवाही करे। व्हाट इज पर्पस ऑफ जीरो FIR? जीरो FIR का उद्देश्य क्या है? एक, देरी और किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए। दो, क्षेत्राधिकार लेने के लिए पुलिस को बाध्य करना। तीन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच ठीक से की गई है। चार, मामले को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए। हु कैन रजिस्टर ए जीरो FIR? जीरो FIR कौन लिखवा सकता है? पीड़ित स्वयं या पीड़ित के परिवार या रिश्तेदार में से कोई सदस्य और अन्य कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है वो जीरो FIR दर्ज करवा सकता है। CRPC की धारा 154(1) में बताई गई IPC की धाराओं के तहत अगर किसी महिला के साथ अपराध हुआ है या अपराध करने की कोशिश की गई है, ऐसे मामलों में अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करवाने आती है तो महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी शिकायत दर्ज करेगी। और इसी CRPC की धारा 154(1) में बताई गई IPC की धाराओं के तहत शिकायत ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जानी है जो असहाय या शारीरिक रूप से असक्षम है, यानी कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। तो पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में व्यक्ति के उपयुक्त स्थान पर रिकॉर्ड करेगी। इज जीरो FIR मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड बाय पुलिस? क्या जीरो FIR पुलिस द्वारा दर्ज किया जाना अनिवार्य है? तो आइए हम इसे समझते केस लॉ के द्वारा। ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है
कि कोई भी जानकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस मामले में भी सुसाइड महाराष्ट्र में हुआ था, फिर भी एफआईआर पटना स्टेट बिहार में दर्ज की गई थी। इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटेड व्हेन इंफॉर्मेशन ऑन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिसीव्ड बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा ही एक मामला आसाराम रेप केस में भी जोधपुर में अपराध हुआ था, फिर भी एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई थी। कुछ मामले ऐसे भी है कि जिसमें शिकायत ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से भेजी गई थी और एफआईआर दर्ज की गई थी। आजकल ऑनलाइन एफआईआर भी प्रचलित है। लीगल मैक्सिम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी न्याय से वंचित है। व्यक्ति को समय पर कानूनी सहायता नहीं मिलती है तो न्याय के लिए कोई उम्मीद नहीं है। आपके प्रश्न मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूं।